नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उपस्थित हुआ हूं ज्योतिष शास्त्र से संबंधित एक विशेष जानकारी को लेकर के, और आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा मंगल देव के राशि परिवर्तन को लेकर के। प्रिय दर्शकों, 10 मई 2023 दोपहर 1:47 पर मंगलदेव अपनी राशि परिवर्तन कर चुके हैं। मंगलदेव मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि 30 जून 2023 तक कर्क राशि में ही संचरण करेंगे। वैसे तो ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन ये मंगलदेव की नीच राशि है तो विशेष इनके कुप्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। और आज हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों पर क्या इसका प्रभाव होगा, क्या क्या नकारात्मक स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं, और कैसे आप अपनी समस्याओं का हल पा सकते हैं, यानी क्या इसका उपाय रहेगा। इन तमाम बातों की चर्चा हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जब भी हम गोचर का प्रभाव आपको बताते हैं तो इसको चंद्र राशि से ही देखिएगा। जो आपकी जन्म राशि चंद्र राशि है उसी से देखना चाहिए, उसको नाम राशि अथवा लग्न राशि से न देखिए। तो आज का कार्यक्रम खास है कर्क राशि के जातकों के लिए, तो यदि आपकी जन्म राशि चंद्र राशि कर्क राशि है तो निश्चित ही आप इस कार्यक्रम में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि के जातकों के लिए अभी तक मंगलदेव की स्थिति 12वें भाव के अंतर्गत थी, जो कि 10 मई से 30 जून तक कर्क राशि के अंतर्गत ही संचरण करने वाले हैं, यानी लग्न में ही स्थित होंगे फर्स्ट हाउस में। और यहां पर मंगलदेव स्थित होंगे तो चौथे भाव को प्रभावित करेंगे, आपके 7वें भाव को प्रभावित करेंगे और 8वें भाव को प्रभावित करेंगे। पहला हाउस आपका स्वास्थ्य का होता है, आपके आत्मविश्वास का होता है, आपकी प्रगति का होता है, मान सम्मान का होता है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से लेकर के आपको कुछ परेशानियां जरूर देखने को मिलेंगे। मानसिक रूप से विकार आपको देखने को मिल सकते हैं, व्यर्थ की चिंताओं से ग्रसित रह सकते हैं, तनाव में रह सकते हैं, कार्य क्षेत्र हो या आपका पारिवारिक माहौल कहीं ना कहीं अशांत रहेगा। यहाँ स्थित मंगलदेव चतुर्थ भाव को देखेंगे तो ये भूमि का भाव है, माता का भाव है, तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। माता के साथ यदि बहुत अच्छे संबंध नहीं है तो अनबन अत्यधिक बढ़ सकती है, भूमि से संबंधित कोई विवाद खड़ा हो सकता है, और यदि पहले से ही कोई विवाद आपके ऊपर चल रहा था तो वह विवाद और ज़्यादा तूल पकड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। यहाँ स्थित मंगल 7वें भाव को भी प्रभावित करेंगे, लेकिन 7वें भाव पर इनकी उच्च की दृष्टि है तो कुछ अच्छे लाभ भी आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं, वैवाहिक जीवन में हैं, तो जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं जीवन साथी के माध्यम से अच्छा लाभ होता हुआ भी नजर आएगा। यदि आप नया व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं, नई नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं या कहीं पर भी कुछ नया कार्य कर रहे हैं तो जीवन साथी की सलाह आपको अवश्य लेनी चाहिए, निश्चित ही आपको लाभप्रद स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। लेकिन साथ साथ इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिएगा, गुप्त शत्रुओं से विशेष रूप से आपको बचाव करना होगा। ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, उन लोगों से विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। यहाँ स्थित मंगल 8वें भाव को प्रभावित करेंगे और निश्चित ही यहाँ आपको बहुत सतर्क सावधान रहना है। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं, वाहन इत्यादि चलाते हैं, कुछ समय आपको अवॉइड जरूर करना चाहिए, वाहन इत्यादि चलाने से जरूर बचिएगा। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, कंस्ट्रक्शन इत्यादि का कार्य करते हैं, भारी भरकम कैसा भी आप कार्य करते हैं, ऐसी स्थिति में चोट इत्यादि का भय आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, तो चोट इत्यादि से जरूर बचिएगा, बहुत सतर्क सावधान होकर के कार्य करिएगा। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं, मद्य पदार्थ यानी नशा इत्यादि करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं, इसलिए नशा इत्यादि करने से भी आपको अवश्य बचना है। मंगलदेव के इन कुप्रभावों से आपको कैसे बचना चाहिए, तो हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है, अपने क्रोध पर नियंत्रण अवश्य लगाना है, कुछ समय ध्यान मेडिटेशन अवश्य करिएगा, अत्यधिक तनाव व चिंता करने से जरूर बचिएगा, और हर मंगलवार को लाल मसूर व गुड़ का दान करना आपके लिए विशेष लाभप्रद हो। और यदि बहुत ज़्यादा प्रभावित आप इस राशि परिवर्तन से होते हैं तो ओम क्रां क्रीं क्रौं स भौमाय नमः मंत्र का आप प्रतिदिन एक माला जप कर सकते हैं, और यदि संभव हो तो ब्राह्मणों के द्वारा यथाविधि मंगलदेव की शांति अवश्य करवाइएगा। यह राशि परिवर्तन आपके लिए विशेष लाभप्रद हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप जन्म पत्रिका विश्लेषण करवाना चाहते हैं या कोई परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल नंबरों पर आप संपर्क
कर सकते हैं।